मूवी देखिए एस्ट्रिक्स एंड द ऑब्लिक्स द मिडल किंगडम। मूवी आपको बुक माई शो के प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज में मिल जाती है मेरे दोस्त। इससे पहले एस्ट्रिक्स और ऑब्लिक्स की काफ़ी मूवी रिलीज हो चुकी है तो मैंने एक भी नहीं देखी, अपुन ने यही मूवी देखी है। मूवी के बारे में मेरे क्या थॉट्स हैं तो चलिए बात करते हैं। इस दौर में ये कहानी फोकस की गई है तो भाई रोम का दबदबा है, लेकिन गोल नाम का एक गांव टाइप है जहां एस्ट्रिक्स और ऑब्लिक्स और इन जैसे ही लोग देखने को मिलते हैं, जहां पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। तो भाई चाइना में एक महारानी के साथ धोखा हो जाता है, यानी कि उसी के लोग उसको धोखा दे देते हैं। तो फिर वो मदद मांगने के लिए इनके पास आती है, गोल कबीले के पास, जहाँ पर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं एस्ट्रिक्स एंड ऑब्लिक्स। इसके बाद कहानी में क्या कुछ होगा उसी चीज़ को जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ता है। मूवी की कहानी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यानी कि आप कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हो, जो कि भाई इस मूवी की मेन अच्छी चीज़ है। वो है इस मूवी की कॉमेडी। कॉमेडी एंगल काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। एस्ट्रिक्स और ऑब्लिक्स के जितने सीन इस मूवी में देखने को मिलते हैं वो आपको ज़रूर हंसी दिलाएंगे और इनके करेक्टर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। इनकी केमिस्ट्री भी आपको अच्छी लगेगी, यानी कि जब वो इस कबीले में आते हैं तो एक जॉर्नी टाइप शुरू हो जाती है इन पांच छह करेक्टर्स की। ये जॉर्नी पूरी देखने को मिलती है, एक एडवेंचर देखने को मिलता है। तो इसमें जो कि सिनेमेटोग्राफी यूज़ की गई, जो कि एडवेंचर है, वो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। जब इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ आते हैं, मूवी के जो कि भाई स्क्रीन प्ले है वो बहुत ज़्यादा स्लो देखने को मिलता है, और मूवी का ज़्यादा फोकस एस्ट्रिक्स एंड ऑब्लिक्स के करेक्टर से ज़्यादा उस चाइना वाली थ्योरी पर ही चलता रहता है, यानी कि स्क्रीन टाइम उनका ज़्यादा चलता है। वो देखने में आपको इतना कूल टाइप फील नहीं होगा। मूवी बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा आपको बोर करती है, लेकिन इस मूवी को एक बार देखा जा सकता है भाई एस्ट्रिक्स एंड ऑब्लिक्स के करेक्टर के लिए। इनकी परफॉर्मेंस में जान है जो कि आपको ज़रूर मज़ा देंगी, तो इसलिए आप एक बार इस मूवी को ज़रूर चेक कर सकते हो। फिर भाई अगर मुझे इस मूवी को रेटिंग देनी हो 5 में से तो 3 रेटिंग दूंगा। वीडियो करते हैं फिर खत्म। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर बार की तरह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।